Bam Veda. जगता विधाता तू ही मन का दर्पण, तेरे बिना जग है अधूरा, तुझको हो ये जीवन अर्पण अर्पण। समय हो चला है 6:11 और ठीक 22 सेकेंड। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर, और ये समय है भक्ति रस से भरपूर अर्पण का, जिसमें आज आप पूनम के साथ नमस्कार सुप्रभात। और आज सोमवार है, शक संवत 1946 के ज्येष्ठ मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 10 जून 2024। सुबह के 6:11 और 48 सेकेंड हो चले हैं। वैसे जब सुबह की बात होती है तो सुबह तब अच्छी लगती है जब मन शांत हो। मन तब शांत होता है जब उसमें व्याकुलता ना हो। लेकिन सच कहें तो सुबह सुबह ही मन में बहुत सारे विचार, बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारी हलचल चलती रहती है। और ये वैसे ही है जैसे सुबह उठते ही हम एक नदी में लगातार पत्थर फेंकते जाएं और लगातार उसमें तरंगें उठती जाएंगी, और उन तरंगों की वजह से, उस पत्थर फेंकने की वजह से नदी का पानी हमें साफ नहीं दिखाई देगा, ना उसका तल दिखाई देगा। और सच मानिए तो वो तल ऐसा है जिसमें हमारे जीवन की चाबी है, और वो पत्थर है हमारी भ्रांतियां, चाबी है हमारी श्रद्धा। लेकिन क्योंकि हमारे मन में हलचल है तो इसीलिए विश्वास की चाबी, श्रद्धा की चाबी दिखाई नहीं देती, और तभी सुबह सुबह ही मन डगमगाने लगता है, शांत नहीं होता। और उसी शांति की खोज में फिर पूरा दिन हम कुछ ना कुछ करते हैं, कहीं ना कहीं भटकते हैं, पर समझ नहीं पाते कि क्यों ऐसा है कि हम शांत नहीं हैं। तो जब तक समझेंगे नहीं तब तक उस पर काम नहीं करेंगे, और जब तक समझेंगे नहीं तब तक ठहराव आएगा भी नहीं। तो ये ठहराव आएगा कैसे, ये मन शांत कैसे होगा, ये परेशानियों से थोड़ी देर के लिए अलग कैसे हो पाएगा, सब जानेंगे अर्पण में। पहले सुनते हैं ये एक सुंदर सा भजन। सुमति से ताराम आत्माराम, शाश्वत सी कृपा सीता राम श्री करुणायतन, शाश्वत सी कृपा सीता सीता शाश्वती कृपा सीता राम श्री करुणा
गीत श्री पंचायतन भरत लक्ष्मण शत्रुसूदन सहित श्री पंचायतन सर्वदा सम्मुख विराद सर्वदा सम्मुख विराद आंजनेय प्रणाम सीताराम सीताराम सुमति सीताराम आत्मा राम सीता धन्य जिसने ध्यान धर भूमध्य में देखा धन्य जिसने ध्यान धर भूमध्य में देखा धन्य जिसने ध्यान धर भूमध्य में देखा अयोध्या है भक्त की मस्तक तिलक रेखा अयोध्या है भक्त की मस्तक तिलक नव द्वारा पुरी जिसका पतित पावन नाम सीताराम सीताराम सुमति सीताराम आत्मा राम सीता जी हाँ, तो बात हो रही थी ठहराव की, जिसके लिए हम सब भटकते रहते हैं और भटकते रहे हैं जाने कितने जन्मों से, कितने युगों से, कितने समय से। और ऐसे ही एक बार एक व्यक्ति भटकते भटकते एक किसी तपस्वी के आश्रम में पहुंच गया, बहुत सारे सवाल, बहुत सारी व्याकुलताएं लिए और प्रणाम करके दोनों में बातचीत शुरू हुई। उसने कहा कि मैं बहुत उलझन में हूं, समझ ही नहीं आता कि क्या करूं, भक्ति करूं या ना करूं, या करूं तो किसकी करूं, किसकी पूजा करूं, कैसे करूं। कभी कभी डर लगता है कि एक को पूजा और दूसरा नाराज हो गया तो क्या, तो क्या किसी एक को चुनना जरूरी है जब हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं। तो वो जो तपस्वी थे उन्होंने कहा कि ये जो उलझन तुम्हारे सामने है ये बहुत सारे लोगों के जीवन में आती है। तो राहगीर ने पूछा कि क्या आपके जीवन में भी ऐसी ही कोई उलझन आई थी। सच कहें तो हम सबके जीवन में ये जो चॉइसेस होती है ना कि हम ये चुने या वो चुने, ऐसी उलझन हर एक के जीवन में रहती है और हम सब इससे जूझते रहते हैं। ये चुनेंगे तो शायद ये हो जाएगा, वो चुनेंगे तो शायद वो हो जाएगा और इसी में ही सारा जीवन निकल जाता है। और तब कहीं ना कहीं ये एहसास होता है कि शायद उसे चुना होता तो ठीक हो जाता, इसे चुना इसीलिए सब गलत हो गया। लेकिन वो जो तपस्वी थे उन्होंने कहा कि तुम जानते हो, मैं और मेरा एक मित्र, हम दोनों एक साथ गुरुकुल में रहते थे और एक बार हमारे गुरु ने आदेश दिया कि मैं आप दोनों को 7 दिन का समय देता हूं और आपको दोनों को अलग अलग दिशा में जाना है और 50 फुट गड्ढा खोदना है और जो पानी निकलेगा उसे एक लोटे में लाकर मुझे देना है। और दोनों अलग अलग दिशाओं में चले गए। अब प्रश्न तो कुछ और था लेकिन काम कुछ और दे दिया। सोच तो रहे थे दोनों, लेकिन क्योंकि अब गुरु हैं और उन्होंने दे दिया और हम जैसे अपने टीचर्स का सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं और उनकी हर बात को मानते हैं, नहीं टालते हैं, ऐसे ही दोनों इस काम के लिए चले गए। लेकिन जाने के बाद जो ये काम था कि
उन्हें एक लोटा जल लेकर आना है। क्या वो हो पाया, या क्या इस क्रिया से जो गुरु थे वो चाहते थे कि उनका मन पवित्र हो जाए, वो कुछ सीख जाए, कोई एक परिवर्तन उनमें आ जाए? अब पता नहीं क्या हुआ, जानेंगे जरूर, लेकिन पहले ये भजन। मन तेरा पावन तेरा पावन वृंदावन, क्यों भटके तू वन वन में? मन तेरा पावन वृंदावन, क्यों भटके तू वन वन में? ज्योति जला ले रे अंतर की, ज्योति जला ले रे अंतर की, देख प्रभु को निज मन में। मन तेरा पावन वृंदावन, क्यों भटके तू वन वन में? क्या मंदिर में, क्या मस्जिद में, क्या गिरजा गुरुद्वारे में, क्या मंदिर में, क्या मस्जिद में, क्या गिरजा गुरुद्वारे में, मैल न धोए जब मन का, मैल न धोए तू जब मन का, क्या पूजन क्या कीर्तन में? मन तेरा पावन वृंदावन, क्यों भटके तू वन वन में? घट घट में है स्वार्थ कपट छल, क्या प्रभु का गुणगान करे? घट घट में है स्वार्थ कपट छल, क्यों प्रभु का गुणगान करे? वो तो मिलता है मिट्टी में, वो तो मिलता है मिट्टी में, क्यों ढूंढे तू कंचन में? मन तेरा पावन वृंदावन, क्यों भटके तू वन वन में?
जी हाँ, हम भी भटक रहे हैं और ये वरदान मांग रहे हैं कि कहीं तो ठहराव हो, कहीं तो हमारा मन शांत हो, और कहीं हम ऐसा समझें कि बस यहाँ आकर खोज पूरी हो गई। और ऐसे ही वो व्यक्ति जो एक तपस्वी के पास पहुंचा था इस उलझन को लेकर, और उन्होंने कहा था कि वो भी इसी तरह की उलझन से गुजरे थे जब वो गुरुकुल में थे, और उनके गुरु ने उन्हें कहा था कि तुम और तुम्हारा जो ये मित्र है दोनों 7 दिन के लिए जाओ और अलग अलग दिशाओं में जाकर 50 फुट गड्ढा खोदो, गहरा गड्ढा खोदो, और उसमें से पानी निकालो और वो जल लाकर मुझे दो। अब दोनों जो शिष्य थे वो आश्रम से बाहर चले गए 7 दिन के लिए, अलग अलग दिशाओं में चले गए, लेकिन ये जो तपस्वी थे इनका लोटा खाली था जब ये लौट कर आए, और उनके मित्र का लोटा भरा हुआ था। तो इन्होंने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, मैं तो बहुत मेहनत करके आया हूँ, मैंने अलग अलग स्थानों पर जाकर 10 से 15 फीट गड्ढा खोदा, और जब मुझे नहीं लग रहा था कि इसमें पानी है तो फिर मैं कहीं और खोदने लगा, और इस तरह मैंने बहुत जगह गड्ढा खोदा, लेकिन मैं फिर भी इतनी मेहनत के बाद भी इस लोटे को खाली लेकर आया जिसका मुझे बहुत दुख है। तो जो गुरु थे उन्होंने बहुत प्यार से उसे समझाया, उन्होंने कहा कि देखो, तुमने 10 जगह गड्ढा खोदा इसीलिए पानी नहीं मिला, और तुम्हारे मित्र ने पूरा विश्वास करके दृढ़ता के साथ सारी ताकत एक ही जगह लगा दी और 50 फुट तक गड्ढा खोदा और उसे पानी मिल गया। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अंतर्मन में एक छवि जरूरी है कि जब आंखें बंद करें तो वो छवि दिखाई दे, और इसे ही निष्ठा कहा जाता है, श्रद्धा कहा जाता है, जो बेइंतहा प्रेम का एक पर्याय है। इसीलिए कहा गया है कि प्रेम गली बड़ी संग करे, जामे दो न समाए, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। लेकिन अगर हम अपने आप से पूछें तो चाहे बात रिश्तों की हो, बात अध्यात्म की हो, बात काम की हो, हम क्या उस पूरी निष्ठा से उसे निभा पाते हैं? और ये सोचिए कि जब हमने पूरी निष्ठा से किसी एक पर विश्वास किया, चाहे वो एक डॉक्टर ही क्यों ना हो, जिसकी दवाई पर हमने विश्वास रखा कि नहीं, जैसा डॉक्टर ने कहा है मैं लेते रहूंगा और मुझे जरूर फर्क पड़ेगा, तो क्या फर्क नहीं पड़ा था? तो क्या जब एक निष्ठा हम एक डॉक्टर में रख सकते हैं, एक निष्ठा जब हम एक बस में बैठते हैं, हमें पता होता है कि ये जो ड्राइवर है ये हमें सही जगह पहुंचा देगा, उसमें रख सकते हैं? तो जब आध्यात्मिक जीवन की बात आती है तो फिर हमारी निष्ठा इतनी अस्थिर कैसे हो जाती है? निकट हो, जब प्राण तन से निकट
दल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो, विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। जी हाँ, तो ये जो निष्ठा है, यही हम बात कर रहे थे कि प्रेम गली बड़ी संकरी, जामे दो न समाए, एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। और जानते हैं, ऐसा ही चैतन्य चैतन्यमृत में भी कहा गया है कि बहु शास्त्र बहु वाक्य चित्ते भ्रम है, साध्य साधना श्रेष्ठ ना है निश्चय। यानी ज्यादा ज्ञान ले लेने से, ज्यादा लोगों से मिलने से, या ज्यादा भ्रम के साथ बहुत सारी चीजों को पढ़ने से, ना तो हमारी साधना श्रेष्ठ हो पाती है, ना साध्य प्राप्त हो पाता है, क्योंकि हम हर बार कुछ नई बात सुनकर भ्रमित हो जाते हैं। तो ये ठीक उसी तरह है जैसे हम बात कर रहे थे कि जब हम बीमार होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, तो जल्दी ठीक होने के लिए अगर हम एक ही दिन में अलग अलग 5 डॉक्टर से मिलें और उनकी दवाई लें, तो सोचे क्या हम ठीक हो पाएंगे? नहीं ना। इसी तरह से जब निष्ठा की बात करते हैं, तो निष्ठा ही प्रेम तक पहुंचाती है, और इसीलिए उसमें बहुत ज्यादा पेशेंस, या यूं कहें कि सब्र रखना बहुत जरूरी होता है, और तब हम उस स्तर तक पहुंच पाते हैं जहां पर प्रेम ही प्रेम है। यानी श्रद्धा, श्रद्धा से साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। और प्रेम इतना ताकतवर होता है कि वो आपको सब कुछ दे सकता है, और उसे पाने के बाद आपकी कोई भी लालसा नहीं रह पाती, क्योंकि तब आप ही नहीं रहते। सब कुछ ऐसा लगता है कि आपके अस्तित्व से कहीं बड़ा है, और ये प्रेम का स्तर हमें बेहद आनंदित रखता है। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा। जो किछ है सो तेरा, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा। मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा। मेरा मुझ में किछ नहीं, तेरा तुझको सौंपते क्या को सौंपते क्या लागे मेरा, क्या लागे।
क्या लागे मेरा मेरा मुझ में किछ नहीं जो किछ है सो तेरा जो किछ है सो तेरा मेरा मुझ में किछ नहीं जो किछ है सो तेरा जो किछ है सो तेरा मेरा मुझ में किछ नहीं। जी हाँ, तो बात हो रही थी श्रद्धा की कि श्रद्धा बहुत ही कोमल होती है, एक छोटे से पौधे की तरह। वो पौधा जो इतना कोमल है कि उसमें पानी ना दिया जाए तो वो मुरझा जाएगा, अगर उसके आसपास बाड़ ना लगाई जाए तो फिर वो पौधा जी नहीं पाएगा, या तो कोई जानवर उसे खा जाएगा या फिर वो किसी के पैरों के नीचे कुचला जाएगा, या कभी तेज आंधी आई तो उसे उड़ा देगी, या फिर बहुत तेज बारिश आई तो वो पानी में गल जाएगा। तो हमारी श्रद्धा भी ऐसी होती है, ऐसी ही कोमल, जिसे बचा कर रखना बहुत ज़रूरी होता है। और बचा कर रखें कैसे? तो बचा के रखना होता है संग के साथ, क्योंकि जैसा होता है संग वैसा ही रंग। इसीलिए अपना संग अपना साथ सोच समझ के करना चाहिए। और श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि इस समय तो हमारा संग बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हो पाते हैं जो हमारी श्रद्धा को जीवित रखें। कहा गया है कि कलेर दोष निधि राजा नस्ति एक महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम रचित। यानी अच्छाई सिर्फ यह है कि केवल जब हम जप करते हैं या सिमरन करते हैं या इबादत करते हैं या प्रार्थना करते हैं या नाम जप करते हैं, तो वो जप या चिंतन गुणगान केवल ये ही हमें उस सागर की गहराई में ले जाता है जिसमें सिर्फ मोती हैं, क्योंकि उथले पानी में तो सिर्फ मछलियां ही मिलती हैं। तो इसलिए अपना संग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसे चुनकर उसके साथ रहना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी। जैसे अर्पण में हम यही कोशिश करते हैं कि कुछ ऐसा संग सुबह सुबह आपको मिल जाए। जन्म का सार्थक कछु कर ले संगत संतन की गरी संगत संतन की गरी उत्तम नर देह पाया उत्तम नर देह पाया प्राणी इसका हित कछु कर उत्तम नर देह पाया प्राणी इसका हित कछु कर सद्गुरु चरण जाके बाबा
सद्गुरु चरण जात जन्म मरण दूर कर ले जन्म मरण दूर कर ले संगत संतन की करी कहां से आया कहां जावेगा कहां से आया कहां जावेगा ये कुछ मालूम करना ये कुछ मालूम करना दो दिन की जी हाँ, तो यही संगति हमारे अनर्थों की निवृत्ति करती है, यानी अच्छे संग से हमारे अंदर के सभी अवगुण धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं, हमारी निष्ठा बढ़ती है, यानी हमारा अध्यात्म में और ज्यादा बलपूर्वक अध्ययन करने का मन करता है और उसी से हम उस ऊपर वाले को हमेशा अपने साथ पाते हैं और तब जीवन की हर परिस्थिति हमें सकारात्मक ही लगती है और हम हर परिस्थिति में एक शुक्रिया अदा करते हैं कि जो है जैसा है हमें मिला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, शुक्रिया। शुक्र है तेरा खाल के बहरबल तेरे बंदों पे ये तेरा एहसान है शुक्र है तेरा ए खाल के बहरबल तेरे बंदों पे ये तेरा एहसान है तेरे बंदों के ये तेरा एहसान है शुक्र है तेरा ए खालिक ए बहरोबर तेरे बंदों पे ये तेरा एहसान है तेरे बंदों पे ये तेरा एहसान है अपनी चौखट पे तूने बुलाया हमें अपने लुत्फ करम से नवाजा हमें आज मक्के का हर जर्रा एक तूर है हर तरफ तेरा जलवा तेरा नूर है आज जलवा में गुम और अब से कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे श्री रामचरितमानस। श्री राम लक्ष्मण और सीता को वन के मार्ग पर छोड़ अयोध्या लौटते हुए
सुमंत्र को वैसा ही पश्चाताप हो रहा है जैसा किसी विवेकशील वेद के ज्ञाता तथा साधु चरणों में आसक्त व्यक्ति के मन में हो सकता है यदि वो धोखे से मदिरापान कर ले। भयानक संताप के कारण उनकी आंखों में आंसू उमड़ आए हैं, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से कुछ भी सुनाई नहीं देता और बुद्धि काम नहीं कर रही, होठ सूख गए हैं, जीवा काम नहीं करती। आसन्न मृत्यु के इन सभी लक्षणों के बावजूद प्राण शरीर नहीं छोड़ रहे, क्योंकि मन के किसी कोने में यह आशा बंधी है कि 14 वर्ष बीत जाने पर श्री राम अयोध्या लौटेंगे और एक बार फिर उनके दर्शन हो सकेंगे। परंतु रह रहकर वो इस सोच से व्याकुल होते हैं कि अयोध्या लौटकर वो लोगों को क्या उत्तर देंगे। उन्हें अकेला वापस आया देख कोई उनसे बात भी नहीं करेगा, शोक में डूबी माताओं का सामना वो किस प्रकार कर सकेंगे। आशंकाओं में डूबते उतराते सुमंत्र अयोध्या के समीप पहुंचे, किंतु दिन के प्रकाश में नगर में प्रवेश करने का उन्हें साहस नहीं हुआ। विप्र विवेकी वेद विद सम्मत साधु सुजाति जिमि धोखे मदपान करे सचिव सोचते ही भांति। देवता करम मन बानी रह करम बस परिहरि दाहू सचिव दया दिनि दारुन गाहू लोचन सजल निधि भई तारी सुनई न शवन विकल मति भोरी सुखिया धर लागी मोहलाटी जीव न जाई अवधि कपाटी विवरण भयना जाई निहारी मार सिमन हो पिता महतारी हानि गलानी विपुल मन व्यापी जमपुर पंथ सोच जिमि पापी बचनु नावहि दया पचिताई अवध काहमें देखब जाई राम रहित रत देखी जोई सकुचि मोहि बिलोकत सोई ताहि पूछि हहि मोहि जब विकल नगर नर नारी उतरु देव में सब ही तब हृदय बज्रो बैठारी पूछी हही दीन दुखित सब माता कहब कहा मैं तिन्ही विधाता छी जब ही लखन महतारी कही हूँ कौवन संदेश सुखारी राम जननी जब आई धाई सुमिरी बच्छु जिमी देनु लवाई पूछत उतरु देव में ते ये बनु राम लखनु वैदेही जोई पु
पूछते ही उतरु देवा जाई अवध अब यहू सुख लेवा पूछी जब ही राउ दुख दीना जीवन जासु रघुनाथ अधीना देहो तरु पानु मुलाई आये पुतल कुंवर पहुँचाई सुनत लखन जिया राम सदेशु त्रिन जिमितनु परिहरी नरेशु देउ न बिदरेउ पंक जिमी बिछुरत प्रीत मुनीरु जानत हो मोहि दीन विधि यहु जात ना शरीरु एही विधि करत पंथ पछितावा तमसा तीर तुरत रथुआवा विदा किए करी विनय निषादा फिर पाए परी विकल नगर सचिव सकुचाई जनु मारे सिगुर बांभन गाय बैठी बिटप तर दिवस गवावा साँझ समय तब अवसर पावा अवध प्रवेशु कीन अधियारे पैठ भवन रथु राखी द्वारे जिन जिन समाचार सुनि पाए भूप द्वार रथु देखन आए रथु पहचानी विकल लखी घोरे गरही गात जिमियात पोरे नगर नारी नर व्याकुल कैसे निगटत नीर मीन गन जैसे और अब समय है संस्कृत अंग्रेजी और हिंदी में समाचार का।